The force F acting on a particle of mass L indicated by force time graph as shown below. This is the force time graph. The change in momentum of particle over time interval 0 to 8 seconds. Solution. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, the force time graph this shows change in momentum is equal to the area of force time graph. इस ग्राफ का एरिया तीन अलग अलग सेगमेंट में हम कैलकुलेट करेंगे, सेगमेंट फर्स्ट, सेगमेंट सेकंड एंड सेगमेंट थर्ड. ध्यान देने वाली बात यह है कि सेगमेंट सेकंड एरिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डाउनवर्ड्स, यानी कि इसके एरिया को नेगेटिव लिया जाएगा. एरिया एरिया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों को ऐड करेंगे मिलेगा हमें चेंज इन मोमेंटम. फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सेकंड पार्ट रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, थर्ड पार्ट अगेन रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. वैल्यूज पुट की जाए हाफ बेस 2 यूनिट्स, हाइट 6 यूनिट्स, सेकंड एरिया लेंथ 2 यूनिट्स, ब्रेथ माइनस 3 यूनिट्स, थर्ड पार्ट लेंथ 4 यूनिट्स, ब्रेथ 3 यूनिट्स. 2 से 2 कैंसिल हो, हमारे पास बचा फर्स्ट सेगमेंट का एरिया 6, सेकंड सेगमेंट माइनस 6, थर्ड सेगमेंट 12. 6 माइनस 6 फिर कैंसिल हो एक दूसरे से, रिजल्ट बचा हमारे पास 12 न्यूटन सेकंड. That is option number 3.